बीजेपी विधायक पुन्नूलाल मोहले के ग्राम गृह दशरंगपुर में बेरोजगारी के कारण लोगों को परेशानी होने लगी है और उन्हें किसी भी तरह का रोजगार नहीं मिल पा रहा। लॉकडाउन के कारण गांव के रहने वाले 6 परिवार वापस तो आ गए हैं, मगर अब इन्हें रोजगार और रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। परेशान लोग पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्रों में रहते हैं, मगर अब इन्हें भी यहां से निकाला जा रहा है, जिससे वह परेशान हैं। डीएम का कहना है कि परेशान लोगों की हर संभव मदद की जाएगी, हालांकि घर से बेघर और बेरोजगार लोगों की कब तक मदद होगी ये कहना अभी संभव नहीं। लॉकडाउन में फिर भगा दी, अब रहे जगह नहीं है, कहाँ रही, वो घर गिर गए है, खेती में खार कुछ नहीं है, संसायिक भवन में हवन सरकारी स्कूल में, अब जाई जाई कहाँ जाए, सरपंच सचिव भगावा थे, ये जगह हटाओ खाली करो कहा थे, अब कुछ रहे जगह नहीं है, अब कहा करी चलो बताओ तुम्हें मैं। और हमारे पास खेती खार कुछ नहीं है, घर कुरी भी नहीं है, टूट गए, तो हम यही चाहते हैं साहब आपका बिना है कि हमारे घर पूरी बन जाए साहब रहने के लिए। ये सरकारी भवन में अभी रुके हैं, हैं? इनको भी दबाव पड़ रहा है कि जल्दी जल्दी खाली कर करके, तो मेरी मन से ये है कि सरकार से कि इनको आवास सूची जो में है इनको प्राथमिकता के तौर पे इनको नाम दर्ज किया जाए और इनको तत्काल आवास दिया जाए। प्रशासन की ओर से क्या मदद की जाएगी? ग्राम पंचायत के हमारे उसमें समुदाय भवन होंगे, वहाँ पर हम लोग रहने की व्यवस्था करेंगे और उसके बाद उनको जो कृषि मजदूरी है उनके पास उपलब्ध हो जाएगी। घर वो सामुदायिक भवन से हटाया जा रहा है, वहाँ रख रहे हैं? नहीं, ग्राम पंचायत का काम है, अगर कोई भी ग्राम पंचायत में अगर गांव में ऐसा होता है सामुदायिक भवन में रखना चाहिए, इस संबंध में हम निर्देश कर सकते हैं।